You are coming to Dubai and you are planning to buy an apartment, a villa, you have to rent pe lena cha rahe hain, then I can help you, my team can help. Target kuch aur hi tha, kuch zyada lene ka, lekin fir maine kaha chalo. Assalamu alaikum everybody, this is Meeku Ruthlan and you are watching my YouTube channel. Welcome back to a new vlog. चैनल पे नए हो तो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा. और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर हैं तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी मेरा चैनल रिकमेंड कीजिएगा. तो जी, आज ईद का फर्स्ट डे है बट दिस इज माई सेकेंड ब्लॉग. गैलरी इज फुल विद वीडियोज एंड पिक्चर्स, लेकिन आप लोगों के साथ अब मैं नेक्स्ट डे शेयर करूंगी. द रीजन इज द डे वॉज टू बिजी, पूरी रात जागते रहे हैं, सुबह बच्चों को तैयार किया, ईद पे गए, वापस आए, सो गए और फिर उठे तो फिर घर की कुकिंग, क्लीनिंग और सारा कुछ. तो अभी जी रेडी हो के बच्चा पार्टी दे रहे, एट होम. मी एंड आमिर गोइंग टू आइकॉनिक लोकेशन बुर्ज खलीफा. तो जी हम लोग जा रहे हैं बुर्ज खलीफा बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम. इस टाइम जी वहाँ पे बहुत अच्छी गैदरिंग्स होनी है, बहुत अच्छी हसल बसल होनी है वहाँ पे. तो फिर मैंने आमिर से कहा वहाँ चलते हैं, वहाँ पे वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. इट्स 11 PM और देखते हैं अगर खुला होगा ठीक है, नहीं भी खुला होगा तो चले हमारी आउटिंग हो जाएगी. और फिर मैंने आमिर से ईदी भी लेनी है. हाँ जी, तो आपने ईदी देनी मुझे, लाइव ईदी. कब दे रहे हैं? अभी दे रहे हैं कि बुर्ज खलीफा के सामने देंगे, जब दिल करते हैं. देखिएगा कि मुझे कितनी ईदी मिलती है और उस ईदी के साथ जब ईदी मिल जाएगी कितनी ईदी देते हैं, तो उसके बाद फिर मैं प्लान करूंगी कि मैंने इन पैसों के साथ क्या करना है. इवन दो इट्स लेट नाइट बट स्टिल लाइक मुझे लगता है सभी घूमने फिरने के लिए निकले हैं, क्योंकि दिन में मुझे लगता है फैमिली गेट टुगेदर्स हुए होंगे और पार्टीज वगैरह जिनकी फैमिलीज यहाँ पे हैं, और जिनकी फैमिलीज नहीं होती हैं तो वो फिर इसी तरह मॉल्स में घूम फिर के. तो हालांकि ईद का फर्स्ट डे है यहाँ पे, जैसे पाकिस्तान में सारा कुछ क्लोज होता है, यहाँ पे इस तरह क्लोज नहीं होता है क्योंकि मल्टी कल्चरल प्लेस है. तो यहाँ पे किसी भी इवेंट पे क्लोज होने की बजाय बल्कि ज्यादा गैदरिंग्स हो जाती है मॉल्स में. तो जी चले साथ साथ रहे, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है. मैं दोनों चैनल पे एक्टिव हूँ, रमजान शरीफ की वजह से मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी के ब्लॉग्स उस पर नहीं शेयर कर पा रही थी, लेकिन अभी बहुत जल्द अगर आप इफ़ यू आर कमिंग टू दुबई एंड यू आर प्लानिंग टू बाय एन अपार्टमेंट, अ विला या फिर रेंट पे लेना चाह रहे हैं, देन आई कैन हेल्प यू, माई टीम कैन हेल्प यू, दे कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट प्रॉपर्टी. तो फॉर दैट पर्पज यू कैन वॉच पाकिस्तानी मोम अब्रॉड, आपको ऐसा बहुत सारा कॉन्टेंट देखने को मिलेगा. अभी चलते हैं आगे और अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या समा है. सो गाइस हम लोग दुबई मॉल पहुंच गए हुए हैं और चलती हूं अंदर, देखते हैं क्योंकि 12 हो गए हैं, मॉल बंद हुआ है या अभी लोग हैं वहां. हमेशा यही करती हूं, गाड़ी की चाबी फिर आगे पीछे कर देती हूं और फिर भूल जाती हूं अपनी जी डिवाइस. ये सबसे जी हम लोग दुबई मॉल पहुंचे हैं, तो ये सिचुएशन है रात के 12:30 बजे भी अभी तक काफ़ी रश है. ऊपर मॉल क्लोज हो गया है लेकिन फाउंटेन एरिया में अभी काफ़ी सारे लोग हैं क्योंकि ईद है और छुट्टियां हैं आगे भी, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग अभी तक इधर घूम फिर रहे हैं. और फाउंटेन एरिया के आगे आए और आपको बुर्ज खलीफा ना दिखाएं तो जी ये तो ज्यादती हो जाएगी. तो जी एक नज़र बुर्ज खलीफा पर, काफ़ी रश रात के 1 हो रहे हैं. तो अभी यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे इतना खूबसूरत ये व्यू है लाइट्स का, इन्होंने इस जगह काफ़ी सारी लाइट्स लगाई हुई है ताकि लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ले सकें, क्योंकि बाकी एरिया में लाइट काफ़ी सारे है। लोग हैं सराउंडिंग में, सब पिक्चर्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है. तो लोग यहाँ पर जब भी आते हैं तो बहुत सारी पिक्चर्स बनाई जाती हैं और मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत लग रही थी. तो मैंने कहा जी एक सिनेमैटिक व्यू भी ले लेते हैं ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूं कि ये लाइट्स कितनी खूबसूरत हैं. दुबई मॉल के अंदर कोई भी ओकेजन हो, कोई भी मौका हो, तो उसी त्यौहार के हिसाब से ये लोग इसको डेकोरेट करते हैं. तो अच्छा जी रात के 1 हो रहे हैं और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जैसे कोई शाम हो रही है, लोगों का इतना हजूम है
ईद है जिसकी वजह से छुट्टियां हैं आगे भी दो तीन, और लोग यहाँ अभी घूम फिर रहे हैं, उनको पता है कि भाई, और यहाँ वैसे भी लेट नाइट जागने का ट्रेंड है, तो हम लोगों ने भी जाके थोड़ी रील्स वगैरह बनाई हैं, पिक्चर्स बनाई हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि यहाँ पे कितना खूबसूरत इस वक्त माहौल है और लोग इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू नहीं, आप कहीं पे भी घूमते रहें। अभी तो मेरे साथ आमिर है, चाहे ना भी हो तो मुझे कोई मसला नहीं होता, कभी डर भी नहीं लगा। 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे, और मैं इसी तरह अकेले कई दफ़ा यहाँ पे अकेली घूमती फिरती रही हूँ, ट्रेन पे आती रही हूँ, जब शुरू में गाड़ी नहीं थी तो कभी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ सेफ्टी का। चलें जी, अभी आ गया है मेरा फेवरेट स्पॉट, जो कि यहाँ पे एक हार्ट बना हुआ है, इतना खूबसूरत लगता है ये दिल और ये हार्ट, इतना खूबसूरत लगता है यहाँ पे। ये एक फेमस कॉर्नर है दुबई मॉल के अंदर, जितने भी लोग आते हैं ज़्यादातर यहाँ पे लाजमी पिक्चर बनाते हैं, और बुर्ज खलीफा के साथ और इस हार्ट के साथ भी, और आपको तकरीबन जो लोग सिंगल्स भी पिक्चर बनाते हैं, सिंगल लोग ज़्यादातर बड़े खुश होते हैं, और उसके अलावा बस रील्स होती हैं लगा रहे होते हैं। तो खैर, अच्छा स्पॉट है, अच्छा लगता है, देख के मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखें, बड़ा खूबसूरत है, हार्ट है सामने ही, फिर बुर्ज खलीफा है, तो व्यू बहुत अच्छा है, और इस तरफ सारे रेस्टोरेंट हैं, और ये जो पाम ट्रीज़ हैं इन्होंने इसको बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, चाहे दुबई मॉल की एंट्रेंस है वहाँ पे भी, कज़ान बुरॉक जो है उसका भी रेस्टोरेंट इधर ही है, वो ये सॉल्ट बे वाला है, ये सॉल्ट बे वाला है, लेकिन अब क्लोज हो गया ना आमिर, सॉल्ट रह गए सिर्फ, खाली सॉल्ट रह गए हैं, बे खत्म हो गया है। अच्छा, उसका अंदर है, अंदर है। अच्छा, बस अभी मौसम चेंज होने वाला है, गर्मियाँ ऑलमोस्ट शुरू हो गई हैं, आज मुझे काफ़ी दिन बाद थोड़ी गर्मी फील हो रही है, वरना अप्रैल, वैसे बड़ी बात है, अप्रैल 10 हो गया आमिर, यहाँ पे अभी इतनी शदीद वाली गर्मी नहीं हुई। हाँ, नेवर हैपन, फैब के अंदर गर्मी हो जाया करती थी, इन्होंने वो क्या कहते हैं इसको, क्लाउड सीडिंग कर करके ना इसका मौसम ठंडा रखा है, बहुत मजा आ रहा है। इन द मॉर्निंग इट्स कीपिंग द वेदर वेरी कोल्ड राइट नाउ इन द मॉर्निंग। अच्छा जी, तो अभी बस थोड़ा सा घूम फिर लिया है, देख लिया है यहाँ का माहौल, और अभी बस हम लोगों ने वापस जाना है। एक तो मुझे प्यास लग रही है, भूख भी लग रही है, यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं और उसके बाद फिर घर जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी घर पे अकेले हैं और रात लेट हो रही है, तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं और पहले मैं कुछ खाऊंगी उसके बाद कहीं जाऊंगी। अच्छा जी, तो अभी हम जाने लगे हैं फूड कोर्ट, और इस टाइम आने वाला है जी मोस्ट अवेटेड, मोस्ट एक्साइटेड मोमेंट, क्योंकि मैंने लेनी है अभी आमिर से ईदी, पैसे छीनने की कोशिश करूंगी। वैसे तो खैर मैं आगे पीछे भी ये मोमेंट चलते रहते हैं, लेकिन ईद पे ईदी लेने का अपना ही मज़ा होता है। अच्छा जी, इस टाइम मुझे बहुत सख्त वाली प्यास लग रही है, क्योंकि आज मेरा पूरा दिन बहुत बिजी रहा है, खाना बनाना, बच्चे संभालना है, पूरी रात जागते रहे, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं थक चुकी हूँ जी। जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। यस, चलिए आमिर, अब खाना वाना खा लिया, अब मैं एनर्जेटिक हो गई हूँ और मुझे अब लेनी है ईदी, क्योंकि पहले मुझे लगी थी सख्त भूख और लगी थी सख्त प्यास, जिसकी वजह से मैं बोल भी नहीं पा रही थी, तो फिर मेरा प्लान था कि भाई खाना वाना खा लूँगी तो उसके बाद ईदी लेते हैं। चलें जी, ईदी निकालें। आप देखिए, साल में एक ही दफ़ा ये दिन आता है। साल में एक ही दफ़ा ये दिन आता है तो फिर बंदा भरपूर फ़ायदा उठाए ना, फ़ायदा तो वैसे भी आगे पीछे होता रहता है, मतलब कभी जेब से निकाल लिए, कभी बैग से निकाल लिए, कभी इधर से, नहीं नो, अभी आपके ऊपर मेरे बहुत सारे उधार भी हैं, तो भाई ज़्यादा बनता है। चलो, साल में एक बार का लेनी है, दोबारा नहीं लेनी कुछ भी। सोच ले, मर्जी है आपकी। Save this money to do whatever you want, okay? 1, 2, 3, 4, 5. That's 2,500. चले, इस दफा इतने भी गुजारा कर लेती हूँ। 500 रमजान के। चले जी, ये आ गई है अपनी ईदी, वैसे बड़ी आसानी से दे दी है, मेरा टारगेट कुछ और ही था, कुछ ज़्यादा लेने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो जरा बंदे पे रहम खाते हैं। ये है जी अपनी ईदी, तो आप भी अपने हस्बैंड से अगर अभी तक ले चुकी हैं ईदी तो इट्स फाइन, अगर नहीं ली है तो
तो निकलवाएं, निकलवाना बनता है बिकॉज ईद कम्स वंस इन अ ईयर. अब इसको कहाँ स्पेंड करेंगे ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी. जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. इस वजह से एक बटवा नीचे होता है और एक ऊपर होता है. वो इसलिए होता है ताकि इमरजेंसी में कहीं पे भी मतलब अपने हस्बैंड से पैसे निकलवाने पड़ जाए तो जल्दी जल्दी बंदा फिर इधर डाल दे. ये आमिर को मेरी तरफ से ईदी. आप नहीं लेंगे मेरे से ईदी? अब मेरी बारी, अब मैं आमिर को ईदी देने वाली हूँ क्योंकि आमिर ने मुझे ईदी दे दी है. तो आखिर मेरा भी तो राइट बनता है, मेरे आमिर का भी तो राइट बनता है ना कि मुझसे ईदी ले लें, क्योंकि मैं भी तो कमाती हूँ ना भाई यूट्यूब से. तो चले अब मैं आमिर को ईदी देती हूँ. ये लें जी. मैं दरअसल ईदी से थोड़ा सा शर्मा रही हूँ जिसकी वजह से मैं. ये क्या मजाक है? मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ. आमिर को मैं बहुत ज्यादा पैसे देती हूँ भाई. मतलब कोई नहीं देती पैसे. खबरदार, आपने अपनी कमाई के हिसाब से दिया, मैं अपनी कमाई के हिसाब से दे रही हूँ. ठीक है, ला दो. रुके, अच्छा ये कितने? रुको रुको, गिनते हैं. 1 2 3 बस ईदी होगी दे दे. मेरा तो ये भी नहीं दिल कर रहा कि मैं आपको 30 दिरहम दूँ. तो भाई 30 दिरहम हो गए, 30 दिरहम मामूली बात थोड़ी. अब इसको मैं जरा पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करूँगी तो कितने हो गए? 8 3 2400. ये जी मैंने आमिर को ठीक. हाँ तो 2400 कैसे हो गए? चले भाई 2000 से पाकिस्तानी 2000 पाकिस्तानी 2000 2500. तो 2500 भाई मामूली रकम थोड़ी है. पैसे कमाना इतना आसान थोड़ी है. मैंने अपनी यूट्यूब की कमाई में से आमिर को पैसे दिए हैं. मतलब यूट्यूब की कमाई से भी नहीं दिए, आमिर से लिए हुए थे, आमिर को वापस कर दिए. तो जी एंड करते आज का ब्लॉग इधर ही. और जिस मकसद के तहत मैं आई थी मैं उसमें कामयाब हो गई हूँ. रिश्तेदार थोड़ा इस ब्लॉग से दूर रहे, जलने से गुरेज करें. मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.